प्रदेश के मैनपुरी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सैनिटाइजर कर रहे सफाई कर्मियों को माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सफाई कर्मियों को खाद्य सामग्री भी वितरित की। आपको बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से बाजार बंद है। मैनपुरी में भी इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। हर तरह लोग अपने ही घरों में रहने को मजबूर हैं। इन सबके बावजूद कोरोना को हराने और जनपद वासियों को सुरक्षित के लिए जिला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। सफाई कर्मियों द्वारा शहर व कस्बों में जाकर घर घर सैनिटाइजर किया जा रहा है। कोरोना को हराने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही योद्धा के रूप में कार्य कर रही हैं। आपको बता दें कि कई सफाई कर्मियों को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किशन दुबे ने अपने आवास पर बुलाकर पुष्प अर्पित और माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें खाद्य सामग्री देकर सम्मानित किया। मैनपुरी से संवाददाता गौरव पांडे की रिपोर्ट। जी, मुबीन अहमद, सफाई नायक। अच्छा, आप सफाई नायक हैं और घर घर जाकर जो है सैनिटाइजर कर रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितने घंटों तक काम कर रहे हैं आप? ये जो है सुबह 6 बजे से निकल जाते हैं कर्मचारी हमारे जी, और शाम के 5 बजे तक करते हैं। आज जो है ना जनपद मैनपुरी में पहली बार आपको सम्मान दिया गया है, जो किशन दुबे जी ने आपको सम्मानित किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। दुबे जी ने हमको बुलाया, कहा कि आपके शहर में जो कर्मचारी हैं जी, जो सैनिटाइज कर रहे हैं, उनको सारे लोगों को बुलाया जाए, हम सम्मान करेंगे उनका। तो अभी जो हम पे उपलब्ध हो सके कर्मचारी, उनको हम ले आए जी, उनका सम्मान किया उन्होंने, और जो भी हो सका वो उन्होंने दिया है उनको गिफ्ट। किस तरह से मुझे बहुत खुशी हुई जी, कि अगर इसी तरह हमारे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाया गया जी, तो और भी खुशी होगी और कर्मचारी और उत्साह के साथ काम करेंगे। सर, आपने सफाई कर्मियों को और जो ना ये जो छिड़काव कर रहे हैं, इनको जो ना आपने सम्मानित किया है, सर किस तरह से सम्मानित किया है और क्या लक्ष्य है आपको सम्मानित करने का? देखिए, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से लॉकडाउन की घोषणा की थी, तभी से श्याम सदन परिवार लगातार जितनी ईश्वर ने सामर्थ्य, जितनी क्षमता दी थी और जितनी दी है, उस क्षमता से हम अपने परिवार सहित सेवा कार्य में लगे हुए हैं। सेवा कार्य के उसी क्रम में हमारे लिए ये कोई नया काम नहीं था, मेरे तो ये पूरे ध्यान में था कि हम लगातार कोरोना के योद्धाओं को भी सम्मानित कर रहे थे, पुलिसकर्मी भाइयों को जो लगातार ड्यूटी दे रहे हैं, उन्हें लगातार फल, बिस्किट, पानी आदि का वितरण चल रहा था, स्वास्थ्यकर्मी भाइयों को लगातार हम लोग सम्मानित कर रहे थे। मेरी नज़र एक बहुत गंभीर बात पर पड़ी कि जो लोग सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बेहद खतरनाक काम है। आज के परिदृश्य को अगर देखें, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोग कोरोना की दहशत में जी रहे हैं। हमारी सत्ता सरकारें बहुत कुछ बेहतर कर भी रही हैं और जितना कर पा रही हैं उतना वो करते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इसे स्वीकार करने में कोई दोराय नहीं है कि बेहद डरा हुआ है व्यक्ति है। ऐसी परिस्थिति में हमारे ये योद्धा, इन्हें मैं कोरोना के योद्धा ही कहूँगा, भले ही उन्हें चिन्हित न किया गया हो, लेकिन ये सैनिटाइजेशन करने वाले लोग ये निश्चित रूप से पूरा रिस्क लेके हम लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। मेरे गली में कम से कम 4 से 5 बार चुकी यहाँ गरीब रसोई का भी कार्यक्रम चलता है, उसको देखते हुए इन्होंने गंभीरता से इस कार्य को कर रहे हैं। आज उसी क्रम में मैंने इन अपने योद्धा भाइयों को बुलाया था और इन विषम परिस्थितियों में जहाँ हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्हें सम्मानित करने के लिए चीज़ें उपलब्ध भी नहीं हो पा रही हैं, जो भी संभव हुआ, जिस तरह संभव हुआ, उस तरह मैंने इनका सम्मान करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इसमें ये सफाई कर्मियों की श्रेणी में नहीं मैं इन्हें गिनूंगा, ये सैनिटाइजेशन वाली टीम है। मेरे अगले क्रम में निश्चित रूप से सफाई कर्मी हैं और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सत्ता सरकार की नज़र में नहीं आ पाए, उन्हें भी हम सम्मानित करने का लगातार कार्य करते हैं। आज ये योद्धा घर घर जाकर अपना कार्य कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या प्रेरणा छोड़ेंगे आप? देखिए, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि बिल्कुल निश्चित रूप से मैं जो कह रहा हूँ बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि आप सोशल डिस्टेंस का तो पालन करें, लेकिन दिलों में डिस्टेंस ना होने दें, ये मेरी बहुत बड़ी अपील है। आप फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, ये सही बात है, होना भी चाहिए। बिना डिस्टेंस का पालन करें हम इस बहुत वैश्विक महामारी का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन दिलों में दूरियां ना होने दें, इन सभी को बहुत सम्मान की नज़र से देखें। ये तो हमारे लिए निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ जो लगातार लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में रह रहे हैं, अपने आप को उन्होंने नज़र बंद कर लिया है और पूरी तरह उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। योद्धा के वो सभी, कोरोना के वो सभी योद्धा
प्रशंसा के पात्र हैं जो अग्रिम पंक्ति में आकर लगातार राष्ट्रभक्ति से अपना ये कार्य कर रहे हैं। मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ जो छोटे भाई हैं मुबीन को मैंने आज फ़ोन पर बताया था, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई और इन लोगों को ये मेरे पास तक लाए। चूँकि इस परिस्थिति में हम कहीं जा नहीं सकते और हमने प्रशासन से और जिला प्रशासन से सभी से ये वादा किया है, मैंने अपने सारे भाइयों से बार बार अपील की है कि WHO के मानक, केंद्र प्रशासन शासन के मानक, उत्तर प्रदेश शासन के मानक और हमारे जिला स्तर पर आदरणीय DM साहब और SP साहब, इनके द्वारा जारी निर्देशित जितने भी निर्देश हैं इनका संपूर्ण पालन करते हुए ही सेवा कार्य करें, सभी का सम्मान करें। इन सभी को पुनः एक बार साधुवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।